12,000 फीट की हाइट पर एक ऐसी सिटी एग्जिस्ट करती है जो बहुत रिमोटली लोकेटेड और हार्श क्लाइमेट होने के बाद भी 30,000 लोगों का घर है। ऐसे लोकेशंस पर जहाँ जनरली आपको विलेजेस या छोटे टाउन देखने को मिलते हैं, वहाँ ले आपको अपनी डेवलपमेंट से सरप्राइज कर देगा। ले मेन मार्केट यहाँ के सबसे बिजी एरिया में से एक है, जहाँ बहुत सारे कैफेज, बेकरीज और ऑलमोस्ट सभी तरह के शॉप्स जो आप एक मॉडर्न सिटी में देखेंगे वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। चारों डायरेक्शन में फैले कोल्ड डेजर्ट और बंजर पहाड़ों में लोकेटेड ले सिटी अपनी एनर्जी और वाइब्रेंस से आपको सरप्राइज कर देती है। और ले ही एक ऐसी जगह है जहां आप दिल्ली से बस एक आर में 12,000 फीट की हाइट पर आ सकते हो, जिसको पॉसिबल बनाया है इंडिया के सबसे हाईएस्ट एयरपोर्ट ने, जो अब एक कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट भी है। बट मे भी आप इस रश या एनर्जी के इतने बड़े फैन ना हो और आपको काम एंड पीस चाहिए हो, तो ले से बस 10 किलोमीटर आगे फ्यांग विलेज में आप उन सिटी वाइब्स को कम्प्लीटली एस्केप कर सकते हो। लेह के मॉडर्न वाइब से जस्ट अपोजिट यहाँ आके ऐसा लगता है जैसे कि आप टाइम में और पीछे आ गए हो। इधर देखिए ये है रंतक, जो एक टाइप का फ्लोर मिल या चक्की है जो सालों पहले यहाँ आटा पीसने के लिए बनाई गई थी। और इसकी स्पेशल बात यह है कि इसको हाथ से नहीं चलाया जाता, इसको चलाती है ये इसके साइड में बहती नदी। नदी का पानी एक टरबाइन को घुमाता है और टरबाइन से कनेक्टेड ये पत्थर के बीच में अपने आप गेहूँ को पीस देता है। अब तो यहाँ लोग इसको इतना यूज़ नहीं करते, तो ये अब ऐसे टूट गया है। जैसे ले के एक साइड फ्यांग है, वैसे ही ले के दूसरी साइड एक और विलेज है स्तोक। स्तोक की हाइट ले से थोड़ी ज्यादा है और यहाँ के हाईएस्ट पॉइंट पर है एक बहुत ही ब्यूटीफुल बुद्धा स्टैच्यू। स्तोक से बस 10 किलोमीटर दूर है थिक्से मोनेस्ट्री। एक प्लेन एरिया के अराउंड थिक्से मोनेस्ट्री एकदम इतनी इम्पैक्टफुल मोनेस्ट्री लगती है, मतलब अगर आप मोनेस्ट्री में भी नहीं जा रहे होगे, बस रोड से निकल रहे होगे, तब भी आप एक बार इस मोनेस्ट्री को रुककर ज़रूर देखेंगे। नीचे से देखकर मैं सोच रहा था कि मोनेस्ट्री के ऊपर से कैसा व्यू दिखेगा,
तो मैं बस इसके टॉप पर पहुंच गया। और बस तभी बारिश स्टार्ट हो गई। लद्दाख में पूरे ईयर में बस ऑलमोस्ट 13 डेज ही होते हैं बारिश के, तो अगर आपको कभी बारिश देखने को मिल जाए तो खुद को लक्की समझना। और मैं तो इतना लक्की निकला कि मुझे फिर एक रेनबो भी देखने को मिला। शांति स्तूप, ये स्ट्रक्चर वर्ल्ड पीस और प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है। और ये सच में इतना ब्यूटीफुल लगता है कि इसमें कोई डाउट नहीं कि ये लेह का सबसे फेमस स्पॉट है। और इवनिंग में लेह का सबसे अच्छा व्यू चाहिए हो तो शांति स्तूपा से बेटर कोई जगह हो ही नहीं सकती। लेह हमेशा से ही काफ़ी ट्रैवलर्स का ड्रीम डेस्टिनेशन रहा है। यहाँ के जैसे लैंडस्केप शायद ही इंडिया में या इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में आपको कहीं और मिलेंगे। और लेह की रैपिड डेवलपमेंट जिसने अब एक रिमोट लोकेशन को इतना इजीली एक्सेसिबल बना दिया है, और फिर भी आपने अभी तक इंडिया की इस साइट को नहीं देखा तो आपको शायद अब और इंतज़ार नहीं करना चाहिए।